आपको बुधवार के व्रत कथा के बारे में श्रवण कराते हैं पंडित देवेश पाराशर के द्वारा। ग्रह शांति, सभी सुखों की इच्छा रखने वाले बुधवार का व्रत करना चाहिए। व्रत में रात दिन की एक ही दिन भोजन करना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर सिर्फ एक बार भोजन होता है। इसमें भगवान शंकर जी की ही पूजा होती है बेलपत्र आदियों के द्वारा। आपको कथा श्रवण कराते हैं। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर सब दिन रहने के पश्चात सास ससुर ने विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति किसी प्रकार ना माना, हट धर्मी करके बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर अपने नगर में चला पड़ा, ले आया। रहा में उसकी पत्नी को बड़ी ही प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह देखकर आश्चर्य से चकित हो गया। ठीक अपनी ही जैसी सूरत, वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत हो गई, क्योंकि दोनों एक जैसे थे, वह किसे अपना असली पति कहते। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है, सच्चा झूठा बन गया। तभी आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने गमन नहीं करना चाहिए था, तूने किसी की बात को नहीं माना। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की, अपनी गलती को बार बार क्षमा याचना किया। बुद्धदेव जी ने अंतर्ध्यान होकर वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया। बुधवार का व्रत से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, सुनता है, बुद्धदेव भगवान उनको कोई दोष नहीं रखते, सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आपने पंडित देवेश पाराशर के द्वारा बुधवार की व्रत कथा का श्रवण किया है। बुद्धदेव भगवान की जय।